Right, guys. So when we started off with this topic, sale of goods on approval or return basis, हम लोगों ने पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट समझा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सेल की एंट्री कब रिकॉर्ड करेंगे, ओनली व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जिस पॉइंट पे गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा, मतलब गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तभी हम बुक्स में हमारे सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था अबाउट सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि इनिशियली जो सेलर है गुड्स का पोजेशन बायर को ट्रांसफर करता है, बायर को कुछ समय देता है कि भाई यू टेक 10 डेज 15 डेज टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू बाई दीज गुड्स फ्रॉम मी और नॉट, और बायर के डिसीजन के बेसिस पे हम हमारे बुक्स में सेल की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इनिशियली मैं आपके पास आता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप अपने स्टोर में इस प्रोडक्ट को रखो और देखो कि ये प्रोडक्ट का आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको 15 डेज का समय देता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड। इस स्पेसिफाइड पीरियड में आपको मेरे को बताना है कि ये गुड्स आपको चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो आप मेरे से खरीद लेना, नहीं चलेगा तो आप मेरे को इस 15 डेज के अंदर कभी भी रिटर्न कर सकते हो। तो हमने समझा था कि भाई सेल जब होता है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तीन सर्कमस्टेंसेस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, हम मतलब द सेलर, यहाँ पे जो अकाउंटिंग की बात हो रही है वो किसके पर्सपेक्टिव से हो रही है, सेलर के पर्सपेक्टिव से हो रही है। तो तीन सर्कमस्टेंसेस क्या थे, एक बायर ने अपना अप्रूवल या कॉन्सेंट दे दिया, बायर ने सेलर को बता दिया ये गुड्स मेरे को चलेगा, मैं इसको अप्रूव कर रहा हूं। सेकेंड, व्हेन दी बायर डज सम एक्ट अडॉप्टिंग दी ट्रांजेक्शन, मतलब बायर ने उन गुड्स के साथ कुछ ऐसा किया कि नाउ दी ओनरशिप ऑफ सेलर बिकम्स इनकंसिस्टेंट एंड बायर कैन बी डीम्ड टू बी दी ओनर ऑफ दी गुड्स। मतलब हमने एग्जाम्पल दिया था कि हमने कुछ डिटर्जेंट पाउडर्स बेचे थे, बायर को दिए थे ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस इन 5 kg पैक, बायर ने उन पैक्स को खोल के 1-1 kg के पैक्स बना लिए, तो अब क्या मैं रिटर्न लूंगा उसको, दी आंसर इज नो, मतलब उस पॉइंट पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड, हमने बायर को एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया था, लेट से 15 डेज के, भाई तुम 15 डेज में अपना डिसीजन बता देना, रखना है कि रिटर्न करना है। बायर ने 15 डेज के अंदर ना तो अप्रूवल ना तो रिजेक्शन हमें बताया, तो उस केस में इफ दी बायर डज नॉट रिजेक्ट दी गुड स्पेसिफिकली ऑन दिस पीरियड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड विच इज 15 डेज, तब हम मान लेंगे कि ऑटोमेटिकली बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी मेथड ऑफ अकाउंटिंग की, कि भाई कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम यूज करेंगे फॉर अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। यहां पे हमने बोला कि हम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि कौन सा मेथड किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। हमने तीन सब कैटेगरीज डिसाइड की कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली, फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली। बट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से दो ही बकेट बनते हैं, एक कैजुअली और दूसरा फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली। कैजुअली में हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन लो होते हैं, इसलिए हम लोग ऑर्डिनरी सेल्स मेथड फॉलो करते हैं। मतलब भले ही जब गुड्स हम दे रहे हैं बायर को ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, बट फिर भी इस ट्रांजैक्शन को एक नॉर्मल सेल के तरह हम ट्रीट करेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सेल की एंट्री कर लेंगे, इवन इफ स्टिल द बायर हैज नॉट अप्रूव दोज गुड्स। बट हम ईयर एंड में जाके एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारे कितने ऐसे गुड्स है जो अनअप्रूव्ड पड़े हुए हैं विद आवर पोटेंशियल बायर्स, और उतने की सेल रिवर्स कर लेते हैं और बुक्स में उतने की इन्वेंटरी कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये कैजुअली मेथड, ऑर्डिनरी सेल्स मेथड हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम बात करेंगे व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली, वहां पे अकाउंटिंग करने का तरीका सेम है, हम मेमोरेंडम मेथड फॉलो करते हैं। मतलब देखो आइडियली क्या होता है कि जब मैं आपको गुड्स देता हूं ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तब तो खाली गुड्स का पोजेशन आपके पास गया है, आपका क्या डिसीजन मेरे को पता चल गया कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आंसर इज नो। गुड्स तो आपके प्रेमाइसिस पे पड़े हैं, बट उन गुड्स का मालिक कौन है, द सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स टिल द टाइम यू एक्सेप्ट दोज गुड्स। तो इस मेथड के अंदर, और AS 9 का प्रिंसिपल भी बोलता है कि भाई जब तक ओनरशिप ट्रांसफर ना हो ना, तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम सेल की एंट्री मत करो।
बट यहां पे हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा है ना कि कहीं पे अगर लिख के नहीं रखेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, भूल जाएगा कि कितने वैल्यू के गुड्स किसको दिए, कितना रिटर्न आया, कितना अप्रूव आया. हम मेंटली उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते. इस वजह से हम कुछ बुक्स मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं. एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बियॉन्ड कुछ खाते हम लेंगे, मतलब एक डायरी बना ली, डायरी में नोट करके रखेंगे कि इन इन तरह के ट्रांजैक्शंस हुए हैं. और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छोड़ के अगर हम और कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स. व्हाट डू वी कॉल देम? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स. दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट दीज हेल्प अस इन आवर अकाउंटिंग प्रोसेस. इसके द्वारा हम हमारे ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल रख सकते हैं, इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, बट ये हमारे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है. सो देखो, जब भी हम मेमोरेंडम अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हैं, मतलब आ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इज आइदर हाई और मॉडरेट, मतलब वी सेल गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आइदर फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली. एक बात ध्यान में रखना, जब गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होगा फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, सिंस दी ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी सेल की एंट्री नहीं करेंगे. तो देखो, यहां पे ऑर्डिनरी सेल्स मेथड और मेमोरेंडम मेथड में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. ऑर्डिनरी सेल मेथड में हम क्या करते थे, जैसे ही गुड्स भेजते थे हम सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते थे, रिटर्न अगर होता था तो सेल की एंट्री रिवर्स कर देते थे, अप्रूव हो जाता था तो बोलते अरे सेल तो पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, अब अप्रूव हुआ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ईयर एंड पे हम देखते थे कि कितने गुड्स हमारे अनअप्रूव्ड हमारे बायर के पास पड़े हुए हैं, उसकी सेल रिवर्स कर लेते थे और उतने की इन्वेंट्री हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते थे. तो सारी अकाउंटिंग, सारी रिकॉर्डिंग कहां पे हो रही थी? हमारे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. क्या टेक्निकली ये सही था? आंसर इज नो, बिकॉज AS 9 बोलता है कि भाई तुम सेल की एंट्री तभी करो जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है. अगर तुम्हारे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो तुम्हें सेल की एंट्री नहीं करनी चाहिए. अभी जब हम मेमोरेंडम मेथड फॉलो करेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हाई है, अगर हम बार बार सेल रिकॉर्ड करेंगे, रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पूरी खिचड़ी बन जाएगी और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेंगे, एफिशिएंट नहीं रहेंगे. इसलिए हमने बोला कि एक काम करते हैं, अलग से कुछ बुक्स खरीद लेते हैं बियॉन्ड आवर नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जब भेजेंगे, रिटर्न होगा, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड करेंगे, जब कन्फर्म सेल होगा, ध्यान से सुन लो, जब कन्फर्म सेल होगा तभी हम उसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. मतलब मैंने इनको कुछ गुड्स दिए ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, मैं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूंगा? नहीं, इसको मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स में लिख के रखूंगा फॉर दी पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स. जब ये गुड्स को अप्रूव करेंगे ना तभी मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री करूंगा, अदरवाइज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री नहीं करूंगा. इसलिए एकदम इनिशियली मैं बता देता हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो ही एंट्री होगी इस मेथड में. ध्यान दो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो ही एंट्री होगी अंडर दिस मेथड. पहली, जब गुड्स अप्रूव होंगे. कब? जब गुड्स अप्रूव होंगे, मतलब मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल जब लेट्स से अप्रूव हो जाएगा, ओनरशिप जब बायर को ट्रांसफर हो जाएगी, तब हम डेटर टू सेल की एंट्री करेंगे. दूसरी एंट्री होगी फॉर ईयर एंड इन्वेंट्री. कब होगी? ईयर एंड इन्वेंट्री. बिकॉज ईयर एंड में हम स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमारे वेयरहाउस में, हमारे प्रेमाइसिस में एक स्टॉक काउंट करते हैं, स्टॉक को गिनते हैं और जितना फिजिकल स्टॉक अवेलेबल है उसकी वैल्यू करके हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और हमारे बैलेंस शीट में दिखाते हैं. बट ये जो अप्रूवल और रिटर्न वाला स्टॉक है ना, इसका मालिक कौन है? सेलर. बिकॉज अभी बायर ने तो खरीदा नहीं है, बट क्या वो सेलर के प्रेमाइसिस में, सेलर के वेयरहाउस में पड़ा है? नहीं. कहां पे पड़ा है? बायर के दुकान पे, बायर के प्रेमाइसिस पे. तो उसको अलग से हमें एक एंट्री के द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करना होगा. सो प्लीज रिमेम्बर, व्हेनेवर वी आर फॉलोइंग मेमोरेंडम मेथड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी एंट्री होगी? दो. राइट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी एंट्री होगी? दो. कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में? एक सेल की, दूसरी इन्वेंट्री की. उसको छोड़ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्री नहीं करेंगे. जो भी सारा रिकॉर्डिंग होना है वो कहां पे होगा? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स. जो भी सारा रिकॉर्डिंग होना है कहां पे होगा?
मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स. आर यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? तो अभी एक बार रीड करते हैं. देखो क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेथड. ठीक है, यहां पे इस मेथड में देखो क्या होना है. व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, हम इस मेथड को फॉलो करते हैं. सेल विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. मतलब सिंपल सेंस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे अंटिल एंड अनलेस द सेलर हैज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर. ठीक है, सेल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ऑन अप्रूवल बाय द कस्टमर. जब कस्टमर अप्रूव कर देगा, या ही विल डू सम एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, या स्पेसिफाइड पीरियड ओवर हो गया और उसने रिजेक्ट नहीं किया. मतलब जिन जिन सर्कमस्टेंसेज में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है ना, उसी सर्कमस्टेंसेज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री होगी, अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल की एंट्री नहीं होगी. तो देखो अभी बहुत ज्यादा ध्यान देना. हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तुम्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से डायरी या कुछ अलग से खाते खरीद लो, उन डायरी या उन खातों में एंट्रीज करते रहो. रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कंट्रोल तो होना चाहिए मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर. इसलिए उन डायरी या उन खातों में तुम एंट्री करो. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो ही एंट्री करनी है, एक सेल के समय और एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते समय. तो अभी ध्यान देना, हमें कौन कौन से मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. सो वी मेंटेन मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स. इसमें हम क्या क्या मेंटेन करेंगे, हम एक बुक मेंटेन करेंगे जिसको हम बोलेंगे सेल और रिटर्न जर्नल और सेल और रिटर्न डे बुक. समझा, एक डायरी या एक खाता मेंटेन करेंगे. इस डायरी या इस खाता का नाम क्या है, सेल और रिटर्न जर्नल, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट, इसके दो नाम है, एक रियल नेम एक निक नेम मान सकते हो, सेल और रिटर्न जर्नल और सेल और रिटर्न डे बुक. ये कैसे ऑपरेट करता है, ये जैसे नॉर्मल हम सेल्स डे बुक अपना मेंटेन करते हैं ना. सेल्स डे बुक में क्या होता है, जब भी क्रेडिट में सेल होता है एंट्री कर लेते हैं ना, रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, इस पार्टी को दिया इतना यूनिट दिया, इस रेट पे दिया इतना वैल्यू, वैसे उसमें एंट्री करके छोड़ देंगे. दूसरा हम क्या मेंटेन करेंगे, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर. गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, और जिसका दूसरा नाम है सेल और रिटर्न लेजर. ठीक है, क्या मेंटेन करेंगे, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर और सेल और रिटर्न लेजर. अभी देखो एक बात याद रखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेजर, ध्यान दो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेजर, कॉमनली वी कंफ्यूज इट विथ एन अकाउंट. किससे कंफ्यूज करते हैं, अकाउंट. लेजर इज अ बुक. लेजर क्या है, बुक है, ये एक खाता है जिसमें हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. नॉर्मली हम क्या बोलते थे, इसका लेजर दिखाना, तो मतलब इसका अकाउंट दिखाना वी आर रेफरिंग टू. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लेजर का मतलब क्या होता है, खाता, बुक. इस बुक में हम क्या करते हैं, अलग अलग आइटम्स का, अलग अलग लेट्स से सेल परचेज पार्टीज एक्सपेंसेस सबका अकाउंट मेंटेन करते हैं. तो यहां पे हमें दो खाते खरीदने, कितने खाते खरीदने, दो. एक जो हमारा खाता या एक जो हमारा डायरी होगा उसमें क्या मेंटेन करेंगे, सेल और रिटर्न जर्नल या सेल और रिटर्न डे बुक, राइट. दूसरा जो खाता हम खरीदेंगे, दूसरा जो हम बुक खरीदेंगे उसमें हम क्या मेंटेन करेंगे, उस बुक को हम क्या बोलेंगे, उस बुक को हम बोलेंगे गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर या सेल और रिटर्न लेजर. अभी ध्यान देना, लेजर के अंदर हम क्या मेंटेन करते हैं, लेजर के अंदर हम क्या मेंटेन करते हैं, अकाउंट. तो यहां पे इस लेजर के अंदर भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, राइट. इस लेजर के अंदर भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे. दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं हमें, एक कस्टमर का अकाउंट, राइट, एक कस्टमर का अकाउंट. बिकॉज नॉर्मल है ना, जब भी क्रेडिट सेल होता है दो अकाउंट जन्म होता है ना, एक डेटर दूसरा सेल. डेटर को हम डेबिट करते हैं, सेल को हम क्रेडिट करते हैं. डेटर मतलब क्या, कस्टमर. तो इस लेजर के अंदर, इस खाते के अंदर, बिकॉज देखो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में भी हम क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच ही रहे हैं ना. फर्क क्या है कि अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं है, फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि ओनरशिप ट्रांसफर होगा, कि गुड्स रिटर्न आ जाएंगे. तो यहां पे जो पहला अकाउंट हम मेंटेन करेंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमर्स अकाउंट. क्लियर है. नॉर्मली जैसे डेटर का अकाउंट ऑपरेट करता है, ध्यान से सुनो,
नॉर्मली जैसे डेटर का अकाउंट ऑपरेट करता है ना, वैसे ही इसमें एंट्री होगी। मतलब जब गुड्स बिकते हैं डेटर को डेबिट करते हैं, जब रिटर्न आता है डेटर को क्रेडिट करते हैं, जब पेमेंट आता है तभी भी डेटर को क्रेडिट करते हैं। तो जैसे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम डेटर को डील करते हैं, सेम तरीके से हम इस मेमोरेंडम लेजर में भी डेटर के अकाउंट को ट्रीट करेंगे। दूसरा जो अकाउंट हम यहां पे मेंटेन करेंगे इज गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट। क्या बोलेंगे? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट या सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। और ये अकाउंट की अकाउंटिंग उसी तरह होगी जिस तरह हम सेल में अकाउंटिंग करते हैं। मतलब जब गुड्स बिकता है तब सेल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। जब गुड्स रिटर्न हो जाता है तब सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। तो जैसे हमारा नॉर्मल सेल्स अकाउंट ऑपरेट करता है उसी तरह सेम टू सेम हमारा ये अकाउंट मेंटेन होगा। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स में कितने बुक्स खरीदने हैं तुमको? हाउ मेनी बुक, हाउ मेनी खाता यू विल हैव टू बाय? टू। एक खाते में क्या मेंटेन करोगे? सेल और रिटर्न जर्नल या सेल और रिटर्न डे बुक। दूसरे खाते का नाम क्या रखोगे? गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर या सेल और रिटर्न लेजर। इस लेजर बुक में कितने अकाउंट मेंटेन करोगे? दो। कितने अकाउंट मेंटेन करोगे? दो। क्या क्या नाम है इन अकाउंट्स के? कस्टमर अकाउंट, दूसरा क्या? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल या सेलर रिटर्न टोटल अकाउंट। कस्टमर अकाउंट मतलब डेटर अकाउंट, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल या सेलर रिटर्न टोटल अकाउंट मतलब हमारा सेल्स अकाउंट। ये हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अकाउंटिंग करनी इजी हो जाएगी ना, ये नए नामकरण हो गए। बट ये ऑपरेट किस तरह करेगा? सेल के अकाउंट की तरह ही ऑपरेट करेगा। अगर सेल को क्रेडिट करते हो तो इस अकाउंट को क्रेडिट करना है, अगर सेल को डेबिट करते हो तो इस अकाउंट को डेबिट करना है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? अभी एक चीज याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इन दोनों अकाउंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इन दोनों अकाउंट के बारे में जो हमें ध्यान रखनी है। क्या? दी क्लोजिंग बैलेंस इन बोथ these accounts will be same. Clear? The closing balance in both these accounts will be same. In दोनों accounts में जो closing balance होगा वो same होगा. Clear? इस account में कौन से nature का balance होगा? Debit balance. इस account में कौन सा balance होगा? Debit balance. और इस अकाउंट में कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? बिकॉज डेटर से हमारा रिसीवेबल रहता है इसलिए वहां पे कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। सेल्स क्लोजिंग, सेल्स कौन सा नेचर का आइटम है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम्स, तो ये इनकम के नेचर का है तो इसमें क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक पॉइंट हमने ये नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट, the balance in these accounts represents the balance in these two accounts represents the balance मतलब मैं कौन से बैलेंस की बात कर रहा हूं? क्लोजिंग बैलेंस। हा, the closing balance in these two accounts represents ठीक है, ध्यान से सुनो, ये दोनों ही अकाउंट्स, क्या ये अकाउंट्स मेरे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाए गए हैं? नो। कहां पे बनाए गए? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, फॉर कंट्रोल पर्पस, फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। इन दोनों ही अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, राइट, इन दोनों ही अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा? सेम।
अगर एक जगह डेबिट 40,000 है तो दूसरे जगह क्रेडिट 40,000। सेकेंड, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये तो मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स है, हमारे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स अनअप्रूव्ड एट द ईयर एंड, वो गुड्स जो अभी कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, ना तो अप्रूव हुए हैं ना तो रिजेक्ट हुए, उसका सेल वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे पास रिकॉर्डिंग रहे, हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि कितने वैल्यू के गुड्स हमने कौन कौन से कस्टमर को भेजे, उसमें से कितने गुड्स अप्रूव हो गए, कितने गुड्स रिटर्न हो गए, और ईयर एंड पे कितने वैल्यू के गुड्स अलग अलग कस्टमर्स के पास पड़े हुए हैं जिसका अभी हमें अप्रूवल मिला नहीं है। टोटल कंट्रोल इन बुक्स ऑफ अकाउंट से हम मेंटेन कर पाएंगे। एब्सोल्युटली क्लियर? अभी देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ये सेल और रिटर्न जर्नल या सेल और रिटर्न डे बुक कैसे बनाएंगे। राइट, व्हाट विल वी सी? वी विल सी हाउ टू मेक सेल और रिटर्न जर्नल, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ए सेल और रिटर्न डे बुक। क्लियर है? एक इलस्ट्रेशन मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल है, एक इलस्ट्रेशन मैंने लिया है, इस इलस्ट्रेशन के हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरह से यहां पे हमें रिकॉर्डिंग करनी है। क्लियर है ना? चलो, सो देखो, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,00,000 ऑन 10th March 2021 टू मिस्टर बी ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। सो ए इज द सेलर, बी इज द बायर। ए ने ₹2,00,000 के गुड्स बी को दिए ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। गुड्स वर्थ 30,000 रिजेक्टेड ऑन 13th March। 13th March को 30,000 के गुड्स बी ने रिजेक्ट कर दिए। गुड्स वर्थ 1,30,000 वर अप्रूव्ड ऑन 15th of March। बैलेंस गुड्स वर अनअप्रूव्ड एट द ईयर एंड। तो देखो, यहां पे 2,00,000 में से 1,60,000 का तो हमें डिसीजन पता है, 30 रिटर्न हो गया, 130 अप्रूव हो गया, बैलेंस कितना बचा? 40,000। 40,000 का अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके वो अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। और बता दिया प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल्स। तो यहां पे अच्छे लोग है ना, बिकॉज दिया भी सेल्स वैल्यू है और मार्कअप भी किस पे दिया है? सेल्स पे। तो डायरेक्टली जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा उस पे 10% लगा के हमें उसका मार्जिन पता चल जाएगा। एब्सोल्यूटली क्लियर ऑन दिस? अभी इसकी रिकॉर्डिंग हम ये सेल और रिटर्न जर्नल या डे बुक में कैसे करेंगे, लेट अस सी। यहां पे ध्यान देना, मैंने ये फॉर्मेट तो बना के आपको दिया है, एग्जाम में ये फॉर्मेट हो सकता है आपको बनाना पड़े, तो जब सम करेंगे तब ये फॉर्मेट का प्रैक्टिस हो जाएगा। हम चार कॉलम्स में, चार मेन सेक्शंस में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को डिवाइड करते हैं। पहला जो सेक्शन यहां पे है, पहले सेक्शन को हम बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, मतलब कितने वैल्यू के गुड्स हमने अप्रूवल बेसिस पे भेजे। दूसरे सेक्शन का नाम है गुड्स रिटर्न्ड। तीसरे सेक्शन का नाम है गुड्स अप्रूव्ड। तो भाई भेजा, उसमें से रिटर्न को एडजस्ट कर दिया, अप्रूव को एडजस्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा मेरे को? बैलेंस, जो अनअप्रूव गुड्स है एट द ईयर एंड। अभी इसको हम लोग पॉपुलेट करते हैं। देखो, सबसे पहले बताओ हमने किस दिन गुड्स को भेजा ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस? 10th March। तो डेट सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे 10th March 2021। पर्टिकुलर्स कॉलम में कस्टमर का नाम लिखेंगे। कस्टमर का नाम क्या है? मिस्टर बी। ये कौन बना रहा है? ए बना रहा है, बिकॉज ए इज द सेलर। कस्टमर कौन है? बी। सो बी का नाम लिख दिया। फोलियो, जैसे हम लोग लेजर फोलियो यूज करते हैं ना, कि भाई ये एंट्री हमारे कस्टमर अकाउंट में या गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न अकाउंट में कहां पे पोस्ट हुआ है, उस पेज नंबर का रेफरेंस आएगा। तो एग्जाम पर्पस से हमें इसका काम नहीं है। और कितने वैल्यू के गुड्स यहां पे भेजे गए हैं? 2,00,000। तो ये एंट्री हमने कर दी यहां पे। क्लियर है? एकदम सिंपल। फिर गुड्स रिटर्न, कौन से डेट को गुड्स रिटर्न हुए? 13। तो गुड्स रिटर्न के अंदर हमने 13 मार्च डेट दे दिया। कौन सा कस्टमर है ये? बी। कितने अमाउंट्स के गुड्स रिटर्न हुए?
30. तो ये गुड्स रिटर्न सेक्शन में हमने इसको भर दिया. इज इट क्लियर? अप्रूव कब हुआ? 15th मार्च. ठीक है, 15th मार्च. कस्टमर नेम बी. कितने वैल्यू के गुड्स अप्रूव हो गए? 130. अभी क्लियर बात है? और बोला कि भाई बैलेंस गुड्स अभी भी ईयर एंड पे अप्रूव हुए नहीं है. तो 2 लाख माइनस 30 माइनस 130, कितने वैल्यू के गुड्स अभी अनअप्रूव्ड पड़े हुए हैं? 40,000. इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? और ये जो 40,000 बैलेंस, अभी तो हमने एक कस्टमर लिया ना, बट यहाँ पे तो न्यूमरसली फ्रीक्वेंटली गुड्स बिक रहे हैं, तो हो सकता है 500 कस्टमर्स के नाम और सबका टोटल करके हमको बैलेंस मिले. बट ये बैलेंस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज दिस बैलेंस रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है सेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेटिंग अप्रूवल एंड हेल्ड विथ कस्टमर्स एट द ईयर एंड. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? मतलब नॉर्मल सेंस में हम क्या बोलते हैं? अनअप्रूव गुड्स. क्या बोलते हैं इसको? अनअप्रूव गुड्स एट द ईयर एंड, राइट? बट कौन से वैल्यू पे? सेल्स वैल्यू पे. बिकॉज सारी रिकॉर्डिंग किस वैल्यू पे हुई? सेल्स वैल्यू. बट क्या इन्वेंट्री 40,000 पे रिकॉर्ड करेंगे क्या हम? नहीं, इसमें से प्रॉफिट को एलिमिनेट करके कॉस्ट पे हम इसकी इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे. आर यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट रिकॉर्डिंग इन द सेल और रिटर्न जर्नल और सेल और रिटर्न दे बुक? बच्चों का काम है यार, एक बार बता दिया अब जीवन में कभी नहीं भूलोगे ऐसी चीजें. बस सेक्शंस याद रखने हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव, बैलेंस. और करना तो यही है ना, भेजेंगे गुड्स, कुछ रिटर्न होगा, कुछ अप्रूव होगा, बैलेंस ईयर एंड पे कुछ अनअप्रूव्ड होगा, तो उसका बैलेंस मिल जाएगा. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? अभी हम सेकेंड बुक के तरफ चलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर या सेल और रिटर्न लेजर. और इस लेजर के अंदर हमें क्या मेंटेन करना है? अकाउंट. इस लेजर के अंदर हमें क्या मेंटेन करना है? अकाउंट. कौन से अकाउंट? कस्टमर और गुड सेल और रिटर्न अकाउंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट या सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट. तो देखो, हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. मतलब हर एक एंट्री में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, और यहां पे तो दो ही अकाउंट के साथ खेलना है. मतलब हर एक एंट्री में एक अकाउंट डेबिट है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट है. बिकॉज अकाउंट कितने हैं? दो. कस्टमर अकाउंट, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल या सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट. अभी देखो, ध्यान देना विथ द फ्लो ऑफ एंट्रीज, बहुत ध्यान से समझो. When goods are sent on approval or return basis, जब casually method follow करते थे ना, फटाफट debtor to sale कर देते थे. But अभी क्या हम लोग ordinary sales method follow कर रहे हैं? नहीं. अभी क्या कर रहे हैं? Memorandum method. मतलब इस circumstances में books of accounts में तो कोई entry करनी नहीं है. कब? When goods are sent on approval or return basis. क्या हमारे normal books of accounts में कोई entry होगी इस समय? नहीं, क्योंकि कंफर्म सेल हुआ नहीं. कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? मेमोरेंडम रिकॉर्ड. कहां पे मेंटेन करेंगे? मेमोरेंडम रिकॉर्ड. अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलता कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री कर दो, क्या एंट्री करते? अगर मैं बोलता कि ये गुड्स भेज दिए हमने, हम ऑर्डिनरी सेल्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है, क्या एंट्री करते? डेटर टू सेल्स. मतलब बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. देखो, यहां पे बी मतलब तो कस्टमर हो गया, और सेल को किससे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल या सेल और रिटर्न टोटल. तो मेमोरेंडम रिकॉर्ड में जो एंट्री होगी दैट विल बी कस्टमर अकाउंट डेबिट. क्या एंट्री करेंगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट. अगर कस्टमर का नाम दिया हुआ है तो बी अकाउंट, सी अकाउंट, जो भी होगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट.
right, goods on approval total account. This will be the entry, right, when the goods are sent on approval or return basis. हमारे केस में यहां पे कौन सा अकाउंट यूज होता, मिस्टर बी. जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें कौन सा अकाउंट यूज होता, मिस्टर बी. और जो हम वैल्यू वाइज एंट्री करते वो कितने की करते, जो वैल्यू वाइज हम एंट्री करते वो कितने की करते, 2 लाख की, राइट. तो अगर हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके द्वारा एंट्री करनी है तो 2 लाख रुपीज की यहाँ पे एंट्री हो जाती, बी टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट. अभी मैंने तुम लोगों को बोला था कि हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है. अगर मैं तुम लोगों के जगह बैठा होता ना तो मैं एक सवाल जरूर मेरे माइंड में आता, सर इसको टोटल अकाउंट क्यों बोलते हैं. आज तक हमने गुड्स ऑन अप्रूवल अकाउंट हो सकता है सुन सकते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट एज गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट. इसका मैं तुम लोगों को अभी जवाब दे देता हूं. क्या हम लोग तो बहुत सारी पार्टीज को गुड्स भेजते हैं ना, हम क्या करते हैं कि समझ लो कि मार्च के महीने में 50 पार्टीज को हमने ये गुड्स भेजे, तो ये कौन से कॉलम का टोटल आ रहा है, ये पहले कॉलम का गुड्स ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल से एंट्री की ना, देखो 2 लाख से ना, जितने वैल्यू के गुड्स भेजे उस वैल्यू से एंट्री की. तो यहां पे तो हो सकता है और 15-20 पार्टीज है, तो एंट्री जो होगी ना वो समेशन से होगी. किससे होगी, समेशन. मतलब एंट्री क्या होगी, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट, डीज अकाउंट डेबिट, जितने कस्टमर है सारे के अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, सेल का जो अमाउंट होगा वो टोटल वैल्यू लेंगे. दैट इज वाई वी कॉल इट एज गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट. मतलब ये जो हमारा हम मैं इसको अगर नंबर कर दू ना, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है ना, जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इसके टोटल से, उसके समेशन से यहां पे मेरी एंट्री पड़ेगी. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, दैट इज वाई वी कॉल इट एज गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल. हर एक जर्नल का टोटल, पीरियोडिक टोटल से इस वैल्यू पे कस्टमर का इंडिविजुअल नाम लिखेंगे, बट अप्रूवल पे जो भेजा, जो रिटर्न आया, जो अप्रूव हुआ, उसका टोटल वैल्यू से यहां पे एंट्री होगी. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस. अभी देखो नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड, बताओ तो हमारे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करेंगे अगर गुड्स रिजेक्ट हो गया तो. भाई अगर सेल की ही एंट्री नहीं की तो रिटर्न की भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज एंट्री कब करेंगे, ओनली वेन दी गुड्स आर अप्रूव्ड, ओनली वेन दी गुड्स आर सोल्ड. तो गुड्स भेजा तभी भी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करनी है, गुड्स रिटर्न आ गया तभी भी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं करनी. यार ऑब्वियसली अगर भेजा तब नहीं की तो रिटर्न की तो ऑब्वियसली एंट्री नहीं करेंगे. यहां पे मेमोरेंडम रिकॉर्ड की एंट्री बता पाओगे क्या करेंगे, लॉजिकली सोच के बताओ. वेरी गुड, जब भेजते हैं तो कस्टमर टू गुड्स ऑन अप्रूवल, रिटर्न आ गया तो क्या एंट्री करेंगे, गुड्स ऑन अप्रूवल टू कस्टमर, मतलब इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे. सो आर एंट्री विल बी, वील से गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. आई यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस. और हमारे केस में ये एग्जाम्पल में ये कौन है, मिस्टर बी, और वैल्यू कितना है, 30,000. 30K मीन्स 30,000. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर, समझ में आ गया ना ये एंट्री. अभी देखो, अभी देखते हैं कि किसका दिमाग चल रहा है, कौन मेरे को जवाब दे पाएगा. वेन गुड्स आर अप्रूव्ड, नॉर्मल बुक्स में क्या एंट्री करनी है कि क्रॉस लगा दूं, व्हेन गुड्स आर अप्रूव्ड, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रॉस लगा दूं कि एंट्री करनी है, एंट्री करनी है सर इसी समय तो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है, बिकॉज उसने गुड्स अप्रूव कर दिया, हमारा एक्चुअल सेल हो गया. व्हाट एंट्री विल वी डू, कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट जो भी लिखो टू सेल्स. इस समय हम नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी एंट्री कर पाएंगे. और हमारे केस में ये कस्टमर कौन है, मिस्टर बी, कितने वैल्यू का, 130K. एब्सोल्युटली क्लियर,
मेमोरेंडम रिकॉर्ड में कोई एंट्री करेंगे क्या? मेमोरेंडम रिकॉर्ड में कोई एंट्री करेंगे क्या? व्हाट डू यू थिंक, वील मेक एन एंट्री इन द मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स? व्हाई? हाँ, तो अभी देखो, ध्यान से सुनो, मेमोरेंडम रिकॉर्ड में एंट्री होगी, मेमोरेंडम रिकॉर्ड में भी एंट्री होगी, बिकॉज मेमोरेंडम रिकॉर्ड है ना, खाली हमें हेल्प करने के लिए है. क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए. मेमोरेंडम रिकॉर्ड का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, ध्यान से समझो, मेमोरेंडम रिकॉर्ड में जो कस्टमर में एंड गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या होना चाहिए? गुड्स अनअप्रूव्ड एट द ईयर एंड. तो अगर ये एंट्री हम नहीं करेंगे तो ध्यान दो ना, कस्टमर को डेबिट कितने से किया था? 2 लाख. क्रेडिट कितने से किया? 30. तो 170 का बैलेंस रह जाएगा ना, बट हमें कितने का बैलेंस चाहिए? 40 का. कितने का चाहिए? 40. मतलब मेमोरेंडम रिकॉर्ड में अगर गुड्स रिटर्न होगा ना, तो भी जो एंट्री होगी वही एंट्री गुड्स अप्रूव्ड होने पे भी होगी, बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप आवर मेमोरेंडम रिकॉर्ड क्लीन. उसमें खाली एक ही चीज मिलना चाहिए, क्या? कितने वैल्यू के गुड्स अनअप्रूव है. अब तो हमने एक्चुअल सेल्स की एंट्री बुक्स में कर ली ना, अब हमें मेमोरेंडम रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है. मेमोरेंडम रिकॉर्ड की जरूरत एक ही पर्पज के लिए अब बचा, क्या? कि कितने वैल्यू का गुड्स अनअप्रूव पड़ा हुआ है. तो जो एंट्री रिजेक्शन की होगी ना, सेम एंट्री इसको प्लीज भूलना मत, सेम एंट्री मेरे को अप्रूवल के लिए भी करनी है. क्लियर है कॉन्सेप्ट? वी विल नॉट मिस ऑन दिस. ये एंट्री हमें करनी ही करनी है. क्लियर? अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं. अभी देखो, ये तो जर्नल कर रहे हैं ना, जर्नल के बाद इसको लेजर में पोस्ट करेंगे ना, तो और ज्यादा क्लैरिटी, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा. देखो, एक सही अकाउंटेंट, याद रखना, एक सही अकाउंटिंग प्रोफेशनल की यही कैपेसिटी होती है कि वो लेजर विजुअलाइज कर सके. मतलब अगर कोई भी क्लाइंट मेरे साथ जब भी बात करता है ना, इसको ऐसे किया, इसको वैसे किया, मेरे विजुअलाइजेशन में वो लेजर घूम रहा होता है कि अच्छा अभी इसमें डेबिट बैलेंस आ गया, अच्छा अभी इसमें क्रेडिट बैलेंस आ गया, अभी इसका ये डेबिट या क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग है. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, लेजर के क्लोजिंग बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. सो व्हेनेवर यू आर इवन टॉकिंग, यू शुड विजुअलाइज द लेजर, कि लेजर किस तरह से मेरा मूव हो रहा है. धीरे धीरे वो कैपेसिटी आ जाएगी ना, तो अकाउंट्स में इतना ग्रिप बन जाएगा कि कोई तुमसे बात कर रहा है ना, बात करते करते तुम्हारे माइंड में उसकी अकाउंटिंग चल रही है. क्लियर? अभी एट द ईयर एंड, ध्यान दो, एट द ईयर एंड, अभी देखो क्या है ना, कि ईयर एंड पे तुम्हारे 40,000 के सेल वैल्यू के गुड्स कस्टमर के पास पड़े हुए हैं जिसका अप्रूवल आया नहीं है. ध्यान देना, ऑर्डिनरी सेल्स मेथड में ईयर एंड पे हम दो एडजस्टमेंट करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक अनअप्रूव गुड्स की सेल रिवर्स करते थे. यहां पे ये जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने सेल जितनी अप्रूव्ड है उतनी ही रिकॉर्ड की है, तो रिवर्सल करने का कोई झमेला है ही नहीं. सेकेंड, हम इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग करते थे, ये यहां पे भी करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे गुड्स कस्टमर के पास पड़े हुए हैं जो अभी अनअप्रूव है. तो सेल रिवर्सल की एंट्री का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, बिकॉज जब भेजा था तभी हमने सेल रिकॉर्ड नहीं किया था, जो एक्चुअल सेल हुआ उसको ही हमने रिकॉर्ड किया. यहां पे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें क्या एंट्री करनी है? इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग. ठीक है, तो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री कर लेते हैं हम ईयर एंड पे. ठीक है, अभी मेरे को बात बताओ,
किस वैल्यू पे ये एंट्री करेंगे, हमारे सम के हिसाब से किस वैल्यू पे ये एंट्री होनी चाहिए, 40,000 ना। वेरी गुड, एक चीज हमेशा याद रखनी है, एट कॉस्ट। क्या याद रखना है, एट कॉस्ट। तो भाई हमारा कॉस्ट कितना है यहां पे, 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000, बिकॉज मार्कअप इज ऑल्सो ऑन सेल्स, राइट। मार्कअप भी किस पे दिया है, सेल्स पे। तो भाई ये एंट्री कितने से हो जाएगी मेरी, 36,000 के कॉस्ट का गुड्स हमारा, जो हमें बिलोंग करता है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए, वो अभी कस्टमर के पास अनअप्रूव पड़ा हुआ है। क्लियर है एकदम, एनी डाउट। मेमोरेंडम रिकॉर्ड में क्या एंट्री करेंगे, अभी तक का पिक्चर विजुअलाइज करो मेमोरेंडम रिकॉर्ड का। कस्टमर अकाउंट का एक इमेज बनाओ अपने माइंड में। कस्टमर अकाउंट में फर्स्ट एंट्री में हमने क्या किया, डेबिट 2 लाख। सेकेंड और थर्ड एंट्री में कस्टमर अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट कितने से, 30,130। मतलब अभी मेरे कस्टमर अकाउंट का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। क्या 40 ही चाहिए आपको, हाँ। गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट में सबसे पहले एंट्री में क्रेडिट किया कितना, 2 लाख। फिर डेबिट किया 30,130। गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 40। उतना ही चाहिए क्या, चाहिए। अभी एंट्री क्या करेंगे बताओ, और कुछ ऑप्शन सोचो, अभी एक बात समझो ना, हमें कितने का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था उन दोनों अकाउंट्स में, 40,40। क्या है अभी हमारे पास, तो यार एंट्री कर देंगे तो बदल जाएगा ना भाई, तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। तो अभी एक बार ये सारी फ्लो ऑफ एंट्रीज आपको वापस रन थ्रू करता हूं, फिर इनको हम लेजर में पोस्ट करेंगे, राइट। इसके बाद हम इसको लेजर में पोस्ट करेंगे। यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स में कितने बुक्स हम मेंटेन करते हैं, 2 बुक्स, एक सेल और रिटर्न जर्नल, या जिसको हम बोल सकते हैं सेल और रिटर्न डे बुक। दूसरा कौन सा बुक मेंटेन करते हैं, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर या सेल और रिटर्न लेजर। पहला बुक तो जर्नल है, जहां पे हम एंट्री करते हैं इस कॉलमिनर फॉर्म में। दूसरा लेजर बुक है, तो हमें कुछ अकाउंट्स वहां पे मेंटेन करने। कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हम कस्टमर के पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे एंड गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल या सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखते हैं कि जब हम गुड्स भेजते हैं टू कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, नॉर्मल बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगा। हमारे मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स में कस्टमर को डेबिट करेंगे, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल या सेल और रिटर्न टोटल को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल या सेल और रिटर्न इज नथिंग बट आवर सेल्स अकाउंट। क्लियर है। अगर गुड्स रिटर्न हो गया तो पहले जो एंट्री की थी उसको रिवर्स कर देंगे, नॉर्मल बुक्स में कुछ नहीं करना। गुड्स अगर अप्रूव हो गया तो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कस्टमर टू सेल की एंट्री करेंगे, और मेमोरेंडम अकाउंट्स में भी जो रिवर्सल के लिए एंट्री होती है सेम एंट्री अप्रूवल के लिए भी करेंगे, मतलब गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल टू कस्टमर अकाउंट। ईयर एंड पे मेमोरेंडम रिकॉर्ड पे कोई भी एंट्री नहीं करना, बिकॉज ऊपर की एंट्री द्वारा हमारे लेजर में अनअप्रूव गुड्स का सेल वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। हमारे नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग करेंगे, बट ध्यान देना किस वैल्यू पे, एट कॉस्ट। किस वैल्यू पे करेंगे, एट कॉस्ट। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। तो अभी चलो इन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं। तो यहां पे हमने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, एक गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, दूसरा कस्टमर अकाउंट, विच इन आवर केसेस बीज अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या थी हमारी, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल। तो यहां पे डेट क्या थी बताओ तो मेरे को, 10th March 2021 को मैं क्या लिखूंगा यहां पे, टू गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल
अकाउंट, राइट, गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कितने वैल्यू के, 2 लाख। इज इट क्लियर विद एवरीवन? कस्टमर अकाउंट को 2 लाख से डेबिट कर दिया। इसका कॉन्ट्रा कहां पे पड़ेगा? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट पे, राइट। इसका कॉन्ट्रा कहां पे पड़ेगा? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट पे। सो यहां पे हम लिखेंगे 10th March 2021 बाय कस्टमर, मतलब हमारे केस में 20 अकाउंट, कितना आ जाएगा? 2 लाख। इज इट एब्सोल्यूटली क्लियर विद एवरीवन? सेकेंड एंट्री क्या थी हमारी? गुड्स ऑन अप्रूवल को डेबिट, कस्टमर को क्रेडिट। डेट कौन सा था? 30। तो गुड्स ऑन अप्रूवल को डेबिट करना है ना, तो उसके डेबिट साइड में वील से 2 कस्टमर, ठीक है, 2 कस्टमर बी अकाउंट। अभी यहां पे ये क्या है मेरा? रिटर्न्स ना, कितने का? 30,000। और कस्टमर अकाउंट में जाके ऑन 13/3/21 वील से बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट रिटर्न्स 30,000। इज इट एब्सोल्यूटली क्लियर विद एवरीवन? नेक्स्ट एंट्री बताओ मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स में। गुड्स ऑन अप्रूवल डेबिट, यहां पे रिटर्न लिखा, जब सेंट हो रहा था तब सेंट लिखा, जो जो हो रहा होगा वो लिखेंगे। यहां पे भी आप लिख सकते हो, हमने नहीं लिखा, वी कैन राइट गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करना है? गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल को डेबिट करना है, कस्टमर को क्रेडिट। सो यहां पे कौन सी डेट थी? 15/3/21 टू कस्टमर्स अकाउंट गुड्स अप्रूव्ड वन लाख 30। इज इट क्लियर? और यहां पे 15/3/21 बाय गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट गुड्स अप्रूव्ड, कितना अमाउंट है? 1 लाख। एब्सोल्यूटली क्लियर? इसके बाद मेमोरेंडम रिकॉर्ड में कोई भी एंट्री हुआ है क्या? नहीं ना, तो बैलेंस कर सकते हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड को। सो देखो, पहले यहां पे इसको बैलेंस करते हैं, यहां पे 2 लाख, यहां पे भी 2 लाख, एंड वी विल से 31/3/21 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आएगा? 40,000। और ये 40,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा सॉरी, 2 लिख दो, ठीक है। सेल वैल्यू ऑफ अनअप्रूव्ड गुड्स हेल्ड विथ कस्टमर, राइट। सेल वैल्यू ऑफ अनअप्रूव्ड गुड्स हेल्ड विथ कस्टमर, एब्सोल्युटली क्लियर? कस्टमर अकाउंट, अभी देखो जैसे ये एक कस्टमर है, यहां पे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे ना, तो रिप्रेजेंट क्या करेगा ये कि हर एक कस्टमर के पास इंडिविजुअली कितने वैल्यू के गुड्स पड़े हुए हैं। जैसे बी के पास कितने का पड़ा हुआ है? 40।
वैसे सी के पास 80 हो सकता है, डी के पास 10,000 हो सकता है, तो हर एक कस्टमर के पास कितने उसके प्रेमाइसिस में हमारे गुड्स पड़े हुए वो इन अकाउंट से पता चलेगा। सो इसको भी टोटल कर लेते हैं। एंड देन दिस इज ऑन 31/3/21 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। इज दिस सिस्टम एब्सोल्युटली क्लियर? एकदम समझ में आ गया ना कि ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स किस तरह से फ्लो कर रहे हैं? अभी अगर हम हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखो अभी हमने जो एंट्रीज की उसके हिसाब से कितने लेजर हमारे ओपन हुए होंगे? एक सेल्स ना, दूसरा कस्टमर। तो सेल्स में हमने कब एंट्री की? 15/3 ना, बाय कस्टमर 1,30,000 और कस्टमर में 15/3 को 2, सेल्स 1,30,000। क्लियर है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे वो क्या मिल रहे हैं? ओनली दोज गुड्स विच हैव बीन एक्चुअली सोल्ड ऑफ टू दी कस्टमर, और बाकी जो लेजर है वो तो इन्वेंट्री अकाउंट खुल जाएगा, ट्रेडिंग में हम लिख देंगे बाय इन्वेंट्री, और जो इन्वेंट्री अकाउंट है उसका बैलेंस मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा अंडर क्लोजिंग स्टॉक। इज दिस फ्लो एब्सोल्युटली क्लियर? तो चलो ग्रेट, तो इससे हमारा मेमोरेंडम मेथड भी कवर हो गया। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे चलते हैं और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के सम्स कर लेते हैं। हाँ, जर्नल के लिए ये तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हैं, ये तो मैंने बताया ऐसे, सम में तो जो मांगेंगे वो बनाना है, मतलब ये इतना सारा भी नहीं मांगेंगे, दे में आस्क ओनली फ्यू आइटम्स, तो जो मांगेंगे वो हम बनाएंगे सम में, बट वी शुड नो हाउ एंटायर थिंग इज मूविंग। दैट इज वाई मैंने पूरा चेन करके बताया कि जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग हुआ, उसका एंट्रीज कैसे हुआ और वो लेजर में किस तरह से पोस्ट हुआ। क्लियर है? चलो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे आ जाओ। चलो कम टू सम नंबर 7, कम टू सम नंबर 7। Let's read it together. देखो what does the sum say? A firm sends goods on sale or return basis. Customers have the choice of returning the goods within a month. कितने समय देते हैं कस्टमर को? एक महीने का समय दिया कि एक महीने में बता दो तुम्हें रखना है कि नहीं। During May 2016, the following are the details of goods sent. So, देखो यहां पे पहले जो मेरा रो है वो डेट का है, दूसरा रो कस्टमर का है, तीसरा वैल्यू का है। तो सेकेंड मे को कस्टमर पी को 15,000 के गुड्स हमने भेजे ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। 8th मे को मिस्टर बी को भेजा 20,000, 12th मे को क्यू को भेजा 28,000, 18th मे को डी को भेजा 3,000, 20th मे को भेजा ई को 1,000 एंड 27th मे को हमने मिस्टर आर को भेजा 26,000 के गुड्स विद इन द स्टिप्यूलेटेड टाइम, मतलब एक महीने के अंदर। पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, पी और क्यू ने क्या कर दिया? रिटर्न। तो मैं यहां पे एक बार आर लिख दे रहा हूं कि मेरे को याद रहे कि पी और क्यू ने क्या कर दिया, गुड्स को
return. B, D and E signified that they have accepted the goods. So B ने goods को क्या कर दिया? Approve. D ने goods को क्या कर दिया? Approve. और E ने goods को क्या कर दिया? Approve. ठीक है? Show in the books of the firm sale or return account and customer P account for sale or return. For sale or return account on 15th June 2016. तो हमें किस डेट को ये अकाउंट बनाना है? 15th June 2016 के डेट पे. अभी देखो R के बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? और हमने R को गुड्स कब भेजे हैं? 27th. अकाउंट किस डेट का बना रहे हैं? 15 जून. तो क्या एक महीना ओवर हो गया? नहीं. तो अभी भी आर के पास समय है ना डिसाइड करने का वेदर ही वॉन्ट्स टू कीप और वेदर ही वॉन्ट्स टू रिटर्न. मतलब ये जो आर के पास 26,000 के गुड्स है इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे अनअप्रूव गुड्स एट द ईयर एंड. हमें देखो दो चीज बनाने का बोला है, सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट और कस्टमर अकाउंट. वो भी कस्टमर कौन सा? पी. बट हम क्या करते हैं ना, हम इसमें जर्नल भी बना लेते हैं और लेजर भी बना लेते हैं, बिकॉज पहला सम कर रहे हैं ना, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा ओवरऑल करने का. बट एग्जाम में आपको क्या बनाना है? मेरे को सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है और कस्टमर में खाली पी का अकाउंट मेरे को बनाना है. प्लीज रिमेम्बर, हम अभी सारा बनाएंगे बट एग्जाम में अगर आप बनाओगे तो क्या बनाओगे? सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, जिसका आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा कितना? 26,000. और पी का अकाउंट जिसमें आपको कोई भी बैलेंस नहीं मिलेगा बिकॉज उसने अपने गुड्स रिटर्न कर दिए. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट्स कम टू सम नंबर 7. ठीक है, सारा जो काम हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स में. कहां पे हो रहा है? मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स. इससे क्या होगा, आपको ये जर्नल बनाने का भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, एक फॉर्मेट आप बना लोगे. क्लियर? सिंपल है, ऐसे कोई ज्यादा मेहनत नहीं है. डन विद द फॉर्मेट? फटाफट बना के मेरे को बताओ सो दैट वी कैन मूव ऑन टू पॉपुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग.
चलो लेट अस स्टार्ट टू पॉपुलेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा कौन से दिन हो रहा है? सेकंड में. राइट, कब हो रहा है? सेकंड में. सो वी विल से सेकंड में 2016. किसके साथ हो रहा है? पी. कितने वैल्यू के गुड्स हैं? 15,000. ठीक है, नहीं पहले तो भेजेंगे फिर वो रिटर्न करेगा ना. ये देखो ध्यान दो, जो सेकंड में है इज द डेट व्हेन द गुड्स आर सेंट. राइट, रिटर्न का डेट उन्होंने नहीं बताया है पर भेजे थे उसको सेकंड को. अच्छा, अभी पी के साथ क्या हुआ वो हमें पता है ना, रिटर्न. तो रिटर्न के सेक्शन में जाके पी लिखते हैं और वैल्यू लिख देते हैं 15,000. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका बैलेंस कितना हो गया? निल. नेक्स्ट कौन सा पार्टी है? एथ में ना, बी. वैल्यू 20. इन्होंने क्या किया? अच्छा आदमी है यार, इसने अप्रूव कर दिया. तो बी यहां पे 20,000, बैलेंस कितना हो गया? निल. ठीक है, नेक्स्ट 12th में 16, क्यू 28,000. इन्होंने क्या किया? रिटर्न कर दिया. तो रिटर्न में जाके 28,000, बैलेंस निल. राइट, देन व्हाट डू वी हैव? 18th को मिस्टर डी. कितने वैल्यू के गुड्स? इन्होंने क्या किया? अप्रूव के रिटर्न. अप्रूव, तो अप्रूव वाले कॉलम में जाके लिखेंगे डी 3,000 एंड बैलेंसेस निल. नेक्स्ट कब हो रहा है? 20th. सो वी विल से 20th 5 16. E वैल्यू इज 1,000. E ने क्या किया? अप्रूव. तो यहां पे E 1,000, बैलेंस इज निल. और अब लास्ट ट्रांजैक्शन पे पहुंच गए ना. सो दिस इज 27th में 16. R वैल्यू कितना? 26. इन्होंने ना तो रिटर्न किया ना तो अप्रूव किया ना, तो अभी इसका बैलेंस में पड़ा हुआ है 26. और यहां पे अगर हम टोटल करते हैं तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल टोटल कितना आ रहा है? 93. अभी गुड्स रिटर्न टोटल कितने के आ रहे हैं? 43. गुड्स अप्रूव टोटल कितने के आ रहे हैं? 24. एंड अनअप्रूव्ड अभी भी ईयर एंड पे कितने पड़े हुए हैं? 26. क्लियर है? तो ये हमारा टोटल जर्नल से हमें पिक्चर पता चल गया. ठीक है, अभी अब हम दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक सेल और रिटर्न अकाउंट, दूसरा कस्टमर्स अकाउंट. राइट, एक सेल और रिटर्न अकाउंट, दूसरा कस्टमर्स अकाउंट. तो व्हील से सेल और सी वी कॉल इट ए सेल और रिटर्न अकाउंट, वी कॉल इट ए सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट. एग्जाम में जो नॉमन क्लेचर यूज किया है उस नॉमन क्लेचर से आप अकाउंट बना दोगे. तो यहां पे सब में सेल और रिटर्न अकाउंट बोला है तो हम टोटल वर्ड हटा देते हैं.
देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। मतलब एक चीज को सॉल्व करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। आई कैन मेक अ कंपाउंड एंट्री, आई कैन बाइफर्केट दी एंट्री, देर आर लॉट ऑफ वेज इन विच अकाउंटिंग कैन बी डन। पर द सेफेस्ट रूट दैट वी शुड टेक इज टू रेप्लीकेट वॉट इज देयर इन द इंस्टीट्यूट मटीरियल। बिकॉज देखो हमें पता नहीं कि कौन चेक कर रहा है, जो चेक कर रहा है उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट, उसका लेवल ऑफ लेट्स से इन्वॉल्वमेंट इन योर आंसर स्क्रिप्ट वी डोंट नो। यूजुअली चेकिंग कैसे होती है, एक टेंटेटिव उन लोगों को मार्किंग स्कीम मिलती है आंसर शीट, और उसको मैच करके वो चेकिंग करते हैं। जो रीड करेगा उसको पता चलेगा कि नहीं आपने जो किया है भले वो मार्किंग स्कीम से थोड़ा अलग है बट उसका नेट इफेक्ट सेम है, तो वो मार्क्स देगा। बट अगर कोई गोइंग बाय द बुक के भाई इसको यहां पे मिला नहीं तो मेरे को मार्क्स नहीं देना है, तो हम फंस जाएंगे। इसलिए हम यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं कि हम सेफेस्ट रूट ले एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट एग्जैक्टली एज इट इज देयर इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल। अभी तो आप लोग चालू कर रहे हो इसलिए आपको डिविएशन पता नहीं चलेंगे, बट देर आर सर्टन प्लेसेस जहां पे देर आर डिविएशन, जहां पे हम समझाने के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड समझाते हैं, बट देन वी टेल यू के भाई एग्जाम में आपको इस तरह से इसकी एंट्री करनी है बिकॉज दैट इज हाउ द इंस्टीट्यूट मटीरियल डज इट। ठीक है, अगर आप दूसरे तरह से करते हो क्या वो गलत है, आंसर इज नो। क्या आपके मार्क्स कटने चाहिए, आंसर इज नो, बट वी एक्चुअली डोंट नो वॉट एक्चुअली हैपन्स, दैट इज वाई वील ट्राई टू स्टिक टू वॉट इज देयर इन द इंस्टीट्यूट मटीरियल। ये एक रिक्वायरमेंट रहेगी बिकॉज आप फिर मेरे को पूछोगे थ्योरी पेपर्स के लिए भी कि सर क्या हम अपने वर्ड्स में लिखे। अभी देखो क्या होता है ना, इस आंसर के दो पहलू होते हैं। एक आप अपने वर्ड्स में लिखते हो और उस पर्टिकुलर चीज का जो सेंस या जो मीनिंग है वो बदल जाता है तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अपने वर्ड्स में लिखते हो बट इंस्टीट्यूट मटेरियल के की वर्ड या वैसा कुछ मिसिंग है, देन द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर विल नॉट फाइंड वॉट ही इज लुकिंग फॉर इन योर आंसर। इसलिए ये प्रोफेशनल कोर्स के लिए यार प्लीज हमारे यहाँ ये रिक्वायरमेंट है कि जितना आप इंस्टीट्यूट मटेरियल की लैंग्वेज यूज कर पाओ, आई एम नॉट सेइंग 100%, मे बी 50%, मे बी 60%, मे बी 70%, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना वहां से यूज करो। वहां से जो कीवर्ड्स है वो तो आपके आंसर में होने ही चाहिए इवन इफ यू आर राइटिंग इट इन योर ओन लैंग्वेज। तो अभी से सिंस यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, बिकॉज ये सवाल हर एक लेवल पे आता है, फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, दिस इज द सेम क्वेश्चन विच स्टूडेंट स्ट्रगल विथ। बट ओवरऑल बेसिस पे जो हमने देखा है ना वो यही देखा है कि इंस्टीट्यूट मटेरियल इज द बेस्ट रेफरेंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो जितना क्लोज टू द मटेरियल हम हमारे आंसर स्क्रिप्ट को मेंटेन करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। ठीक है, अभी चलो सेल और रिटर्न अकाउंट तो बना लिया, अभी कस्टमर अकाउंट बनाना है। एक काम करते हैं, सारे कस्टमर का नहीं बनाते हैं, हम एक मिस्टर पी का बना लेते हैं। और एक मिस्टर क्यू लेट्स से मिस्टर बी का बना लेते हैं और मिस्टर आर का बना लेते हैं। आप चाहो तो और भी बना सकते हो, मैं ये तीन अकाउंट्स यहां पे बना के आपको बताता हूं। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए सारे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी बना देते हैं, बी बना देते हैं, और आर का बना देता हूं मैं।
चलो अब है ना अपन पोस्टिंग शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट पोस्टिंग। अभी ध्यान देना, सेल और रिटर्न अकाउंट में हम इंडिविजुअल कस्टमर के इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? टोटल्स। क्या रिकॉर्ड करेंगे? टोटल्स को ही हमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो कौन सी एंट्री होती है हमारी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, बट दैट इज वेन दी गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो यहां पे सेल और रिटर्न अकाउंट में, ठीक है, वी विल से बाय सन्ड्रीज। नॉर्मली हम कस्टमर का नाम लिखते हैं ना, बट यहां पे तो बहुत सारे कस्टमर है जिसका टोटल हमें यहां पे लेकर जाना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पे? बाय सन्ड्रीज। डेट पता नहीं, बिकॉज अलग अलग डेट पे ये एंट्री हो रही है। हम चाहे तो ये किस डेट तक का बना रहे हैं, यहां पे बोला है ना 15 जून, तो 15 जून लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, बाय सन्ड्रीज। या यहां पे बेटर होगा, यूजली हम ईयर एंड पे एंट्री करते हैं, विच इज 30 मंथ एंड पे एंट्री करते हैं, विच इज 31 मई 16। बट फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव यू कैन कीप इट ब्लैंक एज वेल, बिकॉज यहां पे कोई स्पेसिफिक डेट बताया नहीं है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कितने वैल्यू का गुड्स भेजा हमने? 93। तो सबसे पहले सेल की एंट्री कर दी, और ये जो अकाउंट है ये तो सेल अकाउंट जैसा ही है ना, तो सेल अकाउंट में कौन सी साइड एंट्री होती है? क्रेडिट साइड सेल की, तो ये वाली एंट्री हम लोगों ने कर ली, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? गुड्स रिटर्न, तो गुड्स रिटर्न की डेबिट साइड में एंट्री होगी, तो वील से टू सन्ड्रीज। यहां पे लिखेंगे रिटर्न्स, कितने वैल्यू का रिटर्न्स है? 43। और जो अप्रूव होगा वो भी तो रिटर्न के तरह ही ट्रीट करना है ना एंट्री, तो यहां पे क्या लिखेंगे? गुड्स अप्रूव्ड, कितने वैल्यू के गुड्स अप्रूव हो गए? 24। तो सेल और रिटर्न जर्नल, सॉरी, सेल और रिटर्न अकाउंट में जो भी एंट्रीज आनी चाहिए आ गई ना। अभी क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यहां पे 93,000, यहां पे भी हमने लिखा 93,000, एंड देन वी विल से बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन से डेट का बैलेंस है? 15 जून, सॉरी 2 लिखेंगे, बट ये कौन से डेट का है? 15 जून 2016, बिकॉज वी हैव टू मेक इट एज ऑफ 15 जून 2016। तो यहां पे दो जगह जो डेट लिखनी है ना, हम 31 मई 16 लिख देते हैं, बिकॉज मंथ एंड पे हम पोस्टिंग कर रहे हैं, और यहां पे हम इसको बैलेंस कब कर रहे हैं? 15 जून 2016। कितना बैलेंस आएगा यहां पे? 26,000। ये बैलेंस किसका है, कौन से पार्टी का है, पता चल रहा है ना अपने को? एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? तो ये बैलेंसिंग समझ में आ गया। अभी इंडिविजुअल कस्टमर के यहां चलते हैं। ये अकाउंट में किसी को प्रॉब्लम? एनी एक्सप्लेनेशन दैट यू वांट? एकदम सेल अकाउंट के जैसे, क्रेडिट किया जब माल भेजा तब, रिटर्न आया तब भी डेबिट कर दिया, अप्रूव हो गया तब भी डेबिट कर दिया, और जो अनअप्रूव गुड्स है उसका बैलेंस मेरा क्लोजिंग में आ रहा है। क्लियर है? इसके बाद पी के अकाउंट में चलते हैं। पी को गुड्स हमने भेजा कब था? तो वील से 2 मई 16, वील से टू, अकाउंट का नाम क्या? सेल और रिटर्न अकाउंट ना, सेल और रिटर्न अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। यार ये तो मेरे को लॉजिकली पता चलना चाहिए ना, जब गुड्स हम अप्रूवल में भेजते हैं तब कस्टमर को डेबिट करना है, तो कस्टमर को डेबिट किया और सेल अकाउंट या गुड्स ऑन रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना है। कितने वैल्यू के गुड्स हमने इसको अप्रूवल पे भेजे? 15। फिर इसने क्या किया?
रिटर्न कर दिए ना, तो वी से बाय सेल और रिटर्न, अगर डेट बताते तो डेट भी लिख देते। पूरे गुड्स रिटर्न कर दिए ना, हाँ, तो अभी देखो इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, 15 का डेबिट और 15 का क्रेडिट, हमारा अकाउंट क्लोज। क्लियर? फिर बी को हमने गुड्स कब भेजे थे, कब भेजे थे, 8th, सो वी से 8th में 16 टू सेल और रिटर्न अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कितने वैल्यू के गुड्स भेजे थे, 20। इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पे लिखेंगे बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, क्या लिखेंगे, गुड्स अप्रूव्ड एक्सेप्टेड, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, गुड्स अप्रूव्ड कितना, 20, और क्लोजिंग बैलेंस जीरो है बिकॉज इन्होंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग बैलेंस इनका हो सकता है, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनके लिए क्या एंट्री करेंगे, बी टू सेल्स, बट हम कहां पे ऑपरेट कर रहे हैं ये सारे अकाउंट्स, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स में, और मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स में द बैलेंस विल बी जीरो। फिर आर के अकाउंट के तरफ चलते हैं, आर को गुड्स कब भेजे थे हमने, 27th में 16, व्हील से 2 सेल और रिटर्न अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कितने वैल्यू के गुड्स भेजे थे, इन्होंने कोई डिसीजन लिया क्या, नहीं ना, अभी तक कोई भी डिसीजन लिया नहीं है। हम इनका अकाउंट किस डेट को बैलेंस कर रहे हैं, 15 जून 2016, वी से बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने का, 26,000, और इस अकाउंट में मेरा 26,000 का बैलेंस दिखेगा। इज इट क्लियर? यू कैन लीव सम स्पेस, और आप चाहो तो फिर क्यू डी और ई का भी अकाउंट बना सकते हो, सेम तरीके से बनेगा। सो आर यू क्लियर अबाउट द एंटायर फ्लो, के किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है, ग्रेट। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट सम, विच इज सम नंबर 9। एक बार प्लीज घर जाके, जो तो रूल है ही अपना के करना ही है, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एवरी डे। अगर एवरी डे रिवाइज कर रहे हो ना, देर इज नो वे इन विच यू कैन फाइंड अ प्रॉब्लम, और अगर कुछ डाउट्स के कुछ आता है तो साथ साथ नेक्स्ट सेशन में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट तो आपका चलते ही रहेगा, जैसे वी आर कंप्लीटिंग दिस टुडे, इस वीक में कभी भी इसका मैं टेस्ट ले सकता हूं, तो यू हैव टू बी रेडी विथ इट, ठीक है। चलो सम नंबर 9, लेट्स रीड दिस। X supplied goods on sale or return basis to customers, the particulars of which are here under. Date of dispatch, मतलब किस दिन उसने भेजा on return or approval basis, party का नाम, amount और उन goods के साथ क्या हुआ। देखो ध्यान दो, 10th December को भेजा 10,000 का, no information till 31st December, ठीक है। 12th को भेजा 15,000 का, रिटर्न हो गया ये 16th को, तो चलो तो इसका तो काम हो गया, यहां पे रिटर्न आ जा रहा है ये गुड्स। फिर यहां पे 15th को गुड्स वर्थ 2,000 रिटर्न्ड ऑन 20th 12 16, तो ये यहां पे 2,000 का रिटर्न आया है, बाकी के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, देखेंगे क्या करना है। फिर 20th 12 को गुड्स रिटेन्ड मतलब अप्रूव्ड, फिर यहां पे भी गुड्स रिटेन्ड मतलब क्या है, अप्रूव्ड, एंड 30th 12 को जो गुड्स दिए, भाई अभी तो गुड्स दिए ही हैं, तो 31st तक अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। अभी ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड विद इन 15 days फ्रॉम द डिस्पैच, फॉलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेल। तो ये रूल तो हमें पता ही है कि स्पेसिफाइड पीरियड में अगर रिटर्न नहीं करोगे तो इसको सेल मान लिया जाएगा। अभी देखो इंपॉर्टेंट इसका क्या है, इंपॉर्टेंस इसका,
फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन था वो कब हुआ था, 10th को, और इसने मेरा 31/12 तक भी कुछ बताया नहीं है, इसका स्पेसिफाइड पीरियड ओवर कब हो रहा है, 25th, तो इसको क्या माने सेल्स, तो इसको क्या मानेंगे अप्रूव्ड, इसको क्या मानेंगे अप्रूव्ड, रीजन राइट। तो हो सकता है कुछ समय ऐसे हो जहां पे डायरेक्टली तुमको ना बोले अप्रूव हुआ, बट हो सकता है स्पेसिफाइड पीरियड ओवर होने के वजह से ये गुड्स अप्रूव हो गए है, क्लियर। फिर और एक जन का कुछ बताया नहीं है ना, ये देखो 15th को ये गुड्स गए थे, 2000 का रिटर्न किया, बाकी कुछ बोला नहीं, तो इसके 15 दिन कब ओवर हो जाएंगे, 30th को, और हम कब का बना रहे हैं 31st, तो इसको भी हम क्या मानेंगे सेल, कितने का 10,000, बिकॉज 12 में से 2 रिटर्न हो गया ना, 12 में से 2 रिटर्न हो गया, तो 10 को हम लोग अप्रूव्ड मानेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल यू आर रीडिंग द सम एंड द वेरियस इंफॉर्मेशन। फिर देखो हमसे मांग क्या रहे, द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। मतलब ये क्या मांग रहे हैं, जर्नल, डे बुक मतलब क्या हो गया जर्नल, एंड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, तो ये क्या मांग रहे हैं, जो लेजर के अंदर जो टोटल अकाउंट बनाते हैं, मतलब कस्टमर अकाउंट छोड़ के बाकी सारा कुछ मांग लिया राइट, कस्टमर अकाउंट का लेजर छोड़ के, अकाउंट छोड़ के बाकी सब कुछ हमसे मांग लिया। अभी देखो यहां पे क्या है ना, हमने जो फॉर्मेट समझा और इंस्टीट्यूट मटेरियल में ये स्पेसिफिक सम जिस फॉर्मेट में सॉल्वड है वो फॉर्मेट थोड़ा अलग है राइट, बिकॉज अगर एक्सप्लेनेशन में इंस्टीट्यूट मटेरियल में देखोगे ना, तो जो हमने कॉलमनर फॉर्मेट बनाया, गुड सेंट रिटर्न अप्रूव्ड बैलेंस, उस तरह का फॉर्मेट है, बट इस सम के सोल्यूशन में देव ट्वीक द फॉर्मेट अ लिटिल बिट, और इसका नाम भी थोड़ा चेंज किया है। यहां पे देखो क्या नाम दिया है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, क्या बोला, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। तो इसका जो फॉर्मेट उन्होंने इंस्टीट्यूट मटेरियल में यूज किया है ना, वही फॉर्मेट हम यहां पे यूज करेंगे टू सॉल्व आवर सम, तो इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट वी हैव डन, बट मोर ऑर लेस सेम है किस तरह से हमें काम करना है। तो आ जाते हैं इस पे, इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज सम नंबर 9, हमें क्या बनाना है यहां पे, सबसे पहले देखो क्या बोला है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल विच वी नीड टू मेक। अभी इसका मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूं ना, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप इसको बनाना प्लीज, ठीक है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो या फोलियो एंड अमाउंट, उसके बाद वापस एक डेट का कॉलम आएगा, ठीक है, वापस एक डेट का कॉलम आएगा, फिर एक कॉलम आएगा सोल्ड और एक कॉलम आएगा
रिटर्न्ड. क्लियर अबाउट दिस फॉर्मेट? अगर इस तरह का नॉमेनक्लेचर रहेगा सम में तो इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है. अभी लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन से डेट को रहे? देखो मैं जिस तरह से करूं ना इस तरह से इसको करते रहना मेरे साथ साथ. सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो यहां पे हो रहा है 10th of December 16. पार्टी नेम क्या है? एबीसी एंड कंपनी. कितने वैल्यू के गुड्स इसको हमने दिए हैं? 10,000. ठीक है, कितने वैल्यू के गुड्स दिए हैं? 10,000. और देखो इसका सेल कब हो गया ऐसा मानेंगे? बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन बोला और हमारा स्पेसिफाइड पीरियड तो ओवर हो गया ना, तो कब मानेंगे? 25th. वेरी गुड. यहां पे हम लिखेंगे 25th 12 16. और कौन से कॉलम के अंदर इसका हम अमाउंट लिखेंगे? सोल्ड. ठीक है, यहां पे बैलेंस का कॉलम मिसिंग है, अदरवाइज एवरीथिंग इज देयर. नेक्स्ट बताओ, 12 12 16, डी ई एफ एंड कंपनी, कितने वैल्यू के गुड्स है? इसके साथ क्या हुआ है हमारा? रिटर्न. किस डेट को? 16 12 16. रिटर्न के कॉलम के अंदर यहां पे डाल देंगे 15,000. इजी. नेक्स्ट क्या है देखो, 15 12 16, कौन है ये? जी एच आई एंड कंपनी, कितना वैल्यू है? 12,000. इसका 20th 12 को गुड्स रिटर्न हुआ है कितना? 2000. और बैलेंस जो है वो क्या हो गया? अप्रूव. देखो ये फॉर्मेट में एक तो मेरे को डेफिशिएंसी मिली क्या, अब 20th को ही सोल्ड और रिटर्न दो दिखा रहे हैं, बट जो सोल्ड हुआ है एक्चुअल वो तो कब हुआ है? 30th को. सो एक ये डेफिशिएंसी इस फॉर्मेट में है. ठीक है, तो 20th को रिटर्न 2000 दिखा देंगे और सोल्ड फिर उसके अगेंस्ट 10,000 दिखा देंगे, बिकॉज डीम्ड अप्रूवल हो गया ना. नेक्स्ट क्या है यहां पे? 20th 12 16, डीईएफ एंड कंपनी, कितने वैल्यू के गुड्स? 16. और इसका तो अप्रूवल हो गया बोल रहे हैं ना. सो 24th 12 16 को दीज हैव बीन रिटेन्ड, मतलब दीज हैव बीन एक्सेप्टेड, वील ट्रीटेड एज सोल्ड. देन ऑन 25th 12 16, एबीसीडी एंड कंपनी, या एबीसी एंड कंपनी है ना, एबीसी एंड कंपनी, इलेवन थाउजेंड 28th 12 16 को अप्रूव्ड हो गया, तो यहां पे सोल्ड वाले सेक्शन में 11,000 लिख देंगे. एंड 30th 12 16, जी एच आई एंड कंपनी, कितना है? 13,000. इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है ना, राइट? इसका कुछ भी हुआ नहीं है, इसका ना तो सेल हुआ है ना तो रिटर्न हुआ है. तो अभी इस पॉइंट पे है ना बुक को टोटल करते हैं. ये टोटल कितना आ रहे हैं? 10 plus 15 25 37 47 50 61. राइट, 77. यहां पे कितना टोटल आ रहा है देखो, 47 और दिस इज 17. और देखो कितना अनअप्रूव गुड्स है वो कैसे पता चल जाएगा? 77 में से आप 47 और 17 माइनस करोगे ना, तो जो डिफरेंस मिलेगा वो मेरा अनअप्रूव गुड्स का टोटल मिल जाएगा. यहां पे तो एक ही पार्टी हमें दिख रहा है, विच इज 13,000 फॉर जी एच आई. क्लियर है? तो ये हमारा देखो जर्नल बन गया. अभी हमें क्या बनाना है नेक्स्ट? इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? श्योर. तो अभी बनाना है हमें सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट.
बैलेंस नहीं निकल रहा है इस फॉर्मेट में, बैलेंस का कॉलम ही नहीं है इसमें। इससे तो मैंने शॉर्टकट बताया कि भाई अगर तुमको अपने लिए जानना है तो टोटल में से रिटर्न और सेल को माइनस कर दो तो तुमको बैलेंस पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अगर इस सम का नॉमनक्लेचर मांगा ना, सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न, तब यही करेंगे। अगर बोला सेल और रिटर्न जर्नल या सेल और रिटर्न डे बुक, तब हमने जो किया है वो करेंगे। बस इस पर्टिकुलर सम के लिए ये फॉर्मेट है। चलो अभी ये टोटल अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, ये तो सेल अकाउंट है ना, तो सबसे पहले तो जो गुड्स भेजा उसका एंट्री पड़ेगा, राइट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज। कितना, 77,000। देखो डेट लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, हम डेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, 31 दिसंबर 16, बिकॉज यूजली मंथ एंड पे पोस्टिंग करते हैं ना जर्नल से लेजर में, जब डे बुक का कॉन्सेप्ट होता है। तो फिर यहाँ पे 31 दिसंबर 16 क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज। ठीक है, दो कॉलम है ना, एक सोल्ड, मतलब क्या लिखेंगे, गुड्स अप्रूव्ड। कितने के गुड्स अप्रूव हो गए हैं, 47, एंड रिटर्न्ड कितना है, रिटर्न्ड 17। ठीक है, जो पोस्टिंग करनी थी वो पोस्टिंग सारी हमने कर ली। अब इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं ना, तो यहां पे टोटल आ रहा है हमारा 77, हमने टोटल लिख दिया 77, एंड 31st। मैं पहले भी बोल चुका हूं एग्जाम में खाली ब्लैक इंक पेन हमें यूज करना अलाउड है, यहां पे मैं अलग अलग कलर यूज करता हूं सो दैट आप भी यूज कर सको और जब रिवीजन कर रहे हो तब इंपॉर्टेंट पोर्शंस पे आपकी नजर पड़े। यहां पे वी विल से टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आएगा ये, 13,000, और ये किसका बैलेंस है, GHI, क्लियर है, गुड्स हेल्ड विद GHI एट सेल्स वैल्यू, क्लियर। सो बाय दिस हमारा गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट भी बन गया। ठीक है, बाय दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। प्लीज सारे सम्स एक बार अपने होमवर्क कॉपी में अपने हाथ से देखो, करने का तरीका क्या होता है, यू गो बैक होम, यू रिवाइज द एंटायर कॉन्टेंट्स पोर्शन क्यूमुलेटिव, फर्स्ट डे का, सेकेंड डे का, थर्ड डे का। अगर फोर्थ डे रिविजन कर रहे हो किसी चैप्टर को, फोर्थ क्लास, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास भी देखोगे कॉपी के थ्रू फ्लिप करके, एंड देन फोर्थ क्लास का देखोगे। सम्स के लिए क्या करने का, बुक ओपन करने का, सम रीड करने का, अपने माइंड में किस तरह से सोल्यूशन होना चाहिए बनाने का, और अपनी कॉपी में पेंसिल से टिक मार्क लगा के जाने का या खाली पॉइंट करते जाने का कि ये इस तरह से पोस्टिंग होगा। वंस यू आर डन विद दैट, अपनी जो क्लासवर्क कॉपी है उसको बंद करो, होमवर्क कॉपी में उस सम को अपने आप देखे बिना अटेम्प्ट करो, हो सकता है कि कहीं पे अटकोगे, पूरा सॉल्व कर लो, फिर जहां पे अटको उसको रेफर बैक करके देखो कि इस तरह से मेरे को करना था, तो जहां अटक रहे हो वो भी पता चलेगा और साथ ही साथ एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी। ठीक है, सो बाय दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर।